नमस्कार, मैं हूँ मंजू। आइए आज हम बनाएंगे मूली की सब्जी का पराठा। ये हमने सब्जी बनाकर रखी थी, थोड़ी एक्स्ट्रा सब्जी बन गई थी, तो इसका यूज करने के लिए हम ये पराठा बना लेंगे। वैसे हमने मूली की सब्जी का वीडियो हमारे चैनल पर डाल रखा, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मूली का पराठा बनाते हैं। सब्जी का इस तरह से हम एक गोल पेड़ी ले लेंगे। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आप पराठा थोड़ा सा बेल लेंगे। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी फैला लेंगे पूरे में। फिर हमने जो ये मूली की सब्जी ली थी वो हम इसमें भर देंगे। हम इसको हल्के हल्के हाथ से ऐसा उठाकर मोड़कर फोल्ड कर देंगे। इस तरह पहले हम धीरे धीरे हाथ से इसको बढ़ा लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट वेयर लगाएंगे तो पराठा फट जाएगा और सब्जी बाहर आ जाएगी। ये देखिए, हमने आधा पराठा तो इस तरह से हाथ से ही बना लिया। हल्के हाथ से बेलेंगे, क्योंकि सब्जी का पराठा बेल चुका है। हम इसको तवे पे डाल देंगे। गैस हम स्टार्टिंग में तेज ही रखेंगे। जब ये एक तरह से सीख जाएगा फिर हम इसको पलट देंगे। इस पराठे को बनाने से हमारी बची हुई सब्जी भी यूज हो जाती है और हमारा टेस्ट भी बढ़ जाता है। हम इसको पलट देंगे। जब तक ये दूसरी तरफ से सीखेगा जब तक हम इसमें घी लगाना शुरू करते हैं। ये दूसरी तरफ से सीख चुका है, अब हम इसमें दूसरे साइड में घी लगा देंगे। अब हम इसको हल्का हल्का तवा कर सेकेंगे। ये देखिए हमारा मूली की सब्जी का टेस्टी टेस्टी पराठा खाने के लिए तैयार है। आप गर्मा गर्म चाय बनाइए फिर पराठा टेस्ट कीजिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूले, और उसी के साथ हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन लगातार पाते रहे अपने मोबाइल पर डायरेक्टली।